FMCG कंपनी नेस्ले के बेबी फूड्स प्रोडक्ट्स में एक्स्ट्रा शुगर मिलने की बात सामने आई है, जिसके बाद केंद्र सरकार ने इसकी जांच कराने की बात कही है। दरअसल स्विट्जरलैंड की पब्लिक आई एंड इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि नेस्ले भारत सहित एशिया और अफ्रीका के देशों में बिकने वाले बच्चों के दूध और सेरेलेक जैसे फूड्स प्रोडक्ट्स में अतिरिक्त शक्कर और शहद मिलाती है। इस रिपोर्ट के बाद नेस्ले इंडिया का शेयर 3% गिर गया। इससे कंपनी की मार्केट वैल्यू 8,137.49 करोड़ रुपए गिरकर 2.37 लाख करोड़ रुपए रह गई। स्टॉक एक्सचेंज ने भी कंपनी से मामले पर सफाई मांगी थी। इसके बाद नेस्ले ने मामले पर अपनी सफाई स्टॉक एक्सचेंज को दी, जिसमें कंपनी ने कहा, हम जहां भी काम करते हैं वहां के स्थानीय कानून और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का पालन करते हैं।